इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। ये मामला 27 अगस्त को अंकुर दत्ता ने दर्ज करवाया है कि उसके पास में करीब 21 अगस्त को फ़ोन आया था कस्टम डिपार्टमेंट से कोई धीरज कुमार नाम के कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं आपसे और थोड़ा सा हमारा कोई मामला अटका पड़ा है तो अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको बिजनेस देंगे। तो उस बाबत में उन्होंने 3 अकाउंट में करीब 1,35,000 रुपये जमा करवा लिए। उसके बाद और 1,80,000 रुपये जमा कराने की बात आई तब उसको लगा कि मेरे साथ में फ्रॉड किया जा रहा है तो फिर इसने जमा पैसा नहीं करवाया और उसके बाद में हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो उस पर हमने कॉल डिटेल्स वगैरह ली और उसके अलावा जो बैंक डिटेल्स वगैरह ली और खाता धारक जो थे उनको हमने टटोला। तो दिल्ली निवासी राजेश नाम के बंदे को हमने चेक किया तो उसके नाम से खाता था जिसमें 60,000 रुपये गए हुए थे। उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया था कि जगजीत सिंह नाम का जो बंदा है उसको उसके कहने से मैंने खाता खुलवाया था और वो ही सारे मेरे खाते को डील करता है। तो जगजीत सिंह और राजेश को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ लेकर आए और बाद इन्वेस्टिगेशन दोनों को अरेस्ट किया हमने। कौन कौन है सर दोनों? एक कहाँ का है? जगजीत सिंह जो बेसिकली पेशावर ज़िले का पाकिस्तान का रहने वाला है जो 2014 से लॉन्ग टर्म वीज़ा पे दिल्ली में तिलक नगर में निवास करता है। और दौरान पूछताछ जगजीत सिंह ने बताया कि विकासपुरी थाने में भी अभी ये 2 महीने पहले इसी फोर्जरी के मामले में बंद हुआ था जो जमानत पे है। और भी कोई मामले? अभी तीन दिन के आज हमने कोर्ट में पेश किया दोनों मुलजिमों को और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर इनको लिया है। तो जो भी अनुसंधान से होगा और भी मुकदमे और इस फोर्जरी की वारदात खुलने की संभावना है।